अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 25 अक्टूबर 2019 की बड़ी अपडेट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, आधे से अधिक पद रह गए खाली। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि 60-65% पर कितने बच्चे पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब LT ग्रेड में दोस्तों आधे से ज्यादा पद खाली है तो दोस्तों 90 और 97 नंबर कितने बच्चे ला सकते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हजारों पद खाली रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में डेफिनेटली अगर 60-65 पर भर्ती होती है तो हजारों पद खाली रह जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा 68,500 में हुआ। तो दोस्तों जब बच्चे 40-45% पर पास नहीं हो पा रहे तो आप सोचिए सीधे तौर पर कि 90 और 97 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन दोस्तों क्या, समझिए आप, यार अभी आपने यूपी टेट का पेपर देखा होगा, ठीक है, यूपी टेट देखा होगा, सी टेट देखा होगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं। आप देखते होंगे दोस्तों जब 82 और 90 नंबर लाने की बात होती है तो इतने बच्चों से लाया नहीं जाता। आप ये सोचिए यार कि 90 और 97 नंबर, उससे भी ज्यादा कहीं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। देखिए 60 और 65 पर बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों उतने ज्यादा बच्चे पास नहीं हो रहे हैं जितने कि आपको लग रहा है। इसका रीजन दोस्तों ये है कि आप YouTube हर जगह आप लोग यही देखते होंगे कि 60-65 की जीत हो, 60-65 की जीत हो। तो दोस्तों इसके लिए हर जगह अभियान चलता है, हर जगह इनके पोस्टेज होते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों इनमें बच्चों की संख्या तो है, लेकिन दोस्तों अगर भर्ती होती है फाइनल 60-65 पर, तो दोस्तों ये आपको इतना डेफिनेटली याद रखना है कि हजारों पद खाली रह जाएंगे उसमें, और दोस्तों फिर यही नए पदों पर फिर से शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये होती है सरकार की स्ट्रेटजी, ठीक है, सरकार कुछ नया प्लान कर रही है। देखिए दोस्तों कोई भी सरकार होती है तो समय के साथ कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है उनको कि कैसे दोबारा से भर्ती निकालनी है, कैसे उनको भर्ती बचानी है। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 पर होगा, तो सिंपल सी बात है आप लोगों को सभी बच्चों को पता है 40-45 पर भर्ती होने का मतलब पूरी सीटें फुल हो जाएंगी। 69 में एक भी सीट आपके लिए रिक्त नहीं रहेंगी, हो सकता है कि बच्चे ज्यादा हो जाए और पद कम हो जाए। लेकिन दोस्तों 60-65 में इसका उल्टा होगा, बच्चों की संख्या कम होगी और पद खाली रह जाएंगे। तो ये बात होगा दोस्तों, तो इससे ये भी होगा कि दोस्तों बच्चे ही योग्य नहीं है तो हम कहां से उनको नौकरी दें। तो दोस्तों देखिए योग्यता का संकट, तो दोस्तों ऐसी अखबार में भी खबरें आ रही हैं आजकल कि अब योग्यता पर संकट मंडरा आ रहा है। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों के 1673 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा, सिर्फ 36 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाए। अब अंदाजा आप लगाइए दोस्तों, सिर्फ 36 बच्चे पास हो पाए। कि कहने का मतलब दोस्तों यही फिर से यहाँ भी होगा कि भाई हमने तो भर्ती निकाली थी 69,000 शिक्षक भर्ती, अब आप खुद ही नहीं पास कर पाएंगे तो हम आपको नौकरी कैसे दें, ठीक है। तो उन बच्चों को दोस्तों यहाँ डेफिनेटली फायदा होगा, जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रखे थे, जिन्होंने अच्छी तैयारी रखी थी, उनको तो नौकरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये सब पहले से डिसाइडेड था, उसके बाद भी बच्चे ज्यादा पास नहीं हो पा रहे, 36 हो रहे हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पर दोस्तों सब कुछ रेयर है, ठीक है, कुछ भी झूठ नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 69,000 जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो आपको तो यहाँ कटाप भी नहीं पता थी, तो किसी बच्चे ने ऐसा तो सोचा नहीं होगा कि यार चलो 90-97 के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। क्योंकि आपका देखिए सिंपल सी बात याद रखिए, पेपर इतना आसान नहीं था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी, कुछ क्या दोस्तों बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, हो सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा संख्या नहीं है कि आप 69,000 पूरी सीट ये फुलफिल कर पाए। तो दोस्तों 4,10,000 बच्चों में सभी बच्चे ऐसे नहीं है जो 69,000 में 90 और 97 नंबर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रही पता है बच्चों को, सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये हो रही दोस्तों, अगर आपके 85 नंबर हैं तो आपकी ये बात तो पता है कि हमारी नौकरी लगेगी तो 60 और 65 पर ही लगेगी। देखिए सबसे ज्यादा बच्चों की मांग क्या है, जो बात दबाई जा रही, छुपाई जा रही, बच्चे चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले। सिंपल सी बात है दोस्तों, कहने का बीच का रास्ता मतलब एक नई कटाफ होनी चाहिए, 55-60 हो सकती है, या कुछ और रख दी जाए 60-65 से घटाकर, कि मतलब हर एक बच्चा उसमें सम्मिलित हो पाए। 55-60 का मतलब सीधे तौर पर दोस्तों 82 और 90 नंबर पासिंग मार्क रखी जाए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इसमें सम्मिलित हो पाएंगे और शिक्षा मित्रों को भी ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उस बीच दोस्तों आपने देखा होगा कि बीच के रास्ते के लिए काफी ज्यादा बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फिलहाल। तो ऐसा होता तो दोस्तों ज्यादा सही रहता कि सारी सीटें फुल होती। तो दोस्तों देखिए किसी भी शिक्षक भर्ती का मेन उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जितनी सीटें आ रही 69,000 जैसे आई, कि आपकी 69 की 69,000 सीटें फुल होनी चाहिए। अब लेकिन दोस्तों जो लास्ट टाइम इन्होंने कट ऑफ लगाई उसके चक्कर में काफी बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे, ठीक है। अगर मान लेते कि अगर आपकी मान लेते 50,000 सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे पास होते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 90 और 97 नंबर पर, तो उसके बाद दोस्तों जो बाकी की 19,000 सीटें बचेंगी उसका क्या होगा। अब उसके लिए दोस्तों फिर से आवेदन होंगे, ठीक है, फिर से दोबारा आवेदन किया जाएगा,
उसके बाद दोस्तों फिर से नई शिक्षक भर्ती आएगी, लाखों बच्चे आएंगे। तो इसमें फायदा एक तरह से आप देखिए सरकार का होगा। जब 69,000 शिक्षक भर्ती रहेगी दोस्तों, ठीक है, जब यही नई शिक्षक भर्ती बनकर आएगी तो लगभग इसमें 10 लाख आवेदन हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो आप फीस होती है, देखिए इस बार यूपी टेट की फीस 600 रुपये हो गई, तो हर साल इनकी फीस भी अलग अलग रहती है। तो दोस्तों फीस भी आपकी बढ़ेगी, उतने में 10 लाख बच्चे आवेदन करेंगे, तो इसमें सरकार का भी अच्छा खासा फायदा होता है, किसी भी परीक्षा संस्था का होगा, सरकार का ही क्या। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि लाखों बच्चे फिर से आवेदन करेंगे, तो यही सब होता है। तो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हर एक बच्चे को नौकरी मिले। 69,000 सीट पहले फुल होने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि 69,000 बच्चों को हमें नौकरी देनी है। अब दोस्तों ज्यादा ही कट ऑफ लगाने से बच्चों का भी नुकसान है, उनको तो फायदा जरूर मिलेगा जिनको इस कैटेगरी में आते हैं, जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके एक नंबर भी कम होते तो कंप्यूटर है दोस्तों, एक नंबर आधा नंबर भी नहीं बढ़े हैं, याद रखना है, ठीक है ना। पिछली बार आपने देखा होगा कि 68,500 में देखा होगा सभी बच्चों ने कि भाई बच्चों के नंबर कम थे, उसके बाद दोबारा कॉपी चेक होती है, सब कुछ होता, तो एक दो नंबर बढ़ते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं, 4,000 समथिंग बच्चे दोबारा से पास हुए। लेकिन 69,000 में अगर पता चलता है कि पहले के 50,000 बच्चे पास हैं, तो दोस्तों एक बच्चा भी ज्यादा पास नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 69,000 और 68,000। तो अगर आपके 89 नंबर है तो आप सीधे तौर पर आप फेल है, ठीक है। अगर आपके 96 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से 96, तो आप फेल हैं। दोस्तों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि काफी बच्चे रिवाइज आंसर की को लेकर काफी उत्साहित है कि रिवाइज आंसर की में इतने नंबर बढ़ेंगे उतने बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों रिवाइज आंसर की में नंबर जरूर बढ़ते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन पर पहले से नंबर +1 मिल चुका है तो उसमें दोबारा से दोस्तों +1 नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हर तरह से आपको सारी कंफ्यूजन दूर करके सभी बच्चों को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था कि दोस्तों एक बीच का रास्ता निकलता जिससे कि हर एक बच्चे को नौकरी मिल सकती। तो दोस्तों अगर एक भी पोस्ट खाली रहेंगे तो आपका ही नुकसान है कि मतलब आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती थी और आपको नौकरी नहीं मिली, ठीक है ना। तो नई शिक्षा नीति में दोस्तों एक कुछ बड़ा बदलाव हुआ उसको देखेंगे। 6 नवंबर की सुनवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है और महासर्वे का रिजल्ट क्या रहा इस वीडियो में इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों महासर्वे का रिजल्ट के हिसाब से दोस्तों जो बच्चों के गुणांक बन रहे हैं बाहर समझ लीजिए उसको, तो जो सबसे ज्यादा बच्चों का गुणांक बन रहा है दोस्तों, अभी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो सबसे ज्यादा बच्चे जो है आ रहे हैं वो 65 से कम गुणांक वाले हैं, ठीक है। 65 से कम गुणांक के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद दोस्तों 70 से कम वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। और जितने भी 70 से ऊपर वाले बच्चे होंगे वो तो डेफिनेटली शिक्षा मित्र ही होंगे, ठीक है, 70 से ऊपर वाले। तो दोस्तों ऐसा कुछ बन रहा है, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या हमारे पास आई वो 65 से कम गुणांक की है। अब बताइए जब 65 से कम गुणांक बन रहा तो साफ मतलब दोस्तों की बच्चों ने ज्यादा नंबर स्कोर नहीं किया है। अगर सभी बच्चे अच्छा खासा स्कोर कर लेते, अगर सुपर टेट में दोस्तों सभी बच्चों के 100 नंबर 110 नंबर होते तो दोस्तों उनका तो सिंपल सी बात है 65 से ऊपर ही चला जाता। सिंपल सी बात है 110 का मतलब 44 अंक का गुणांक इधर हो गया और कम से कम 24 अंक का गुणांक दोस्तों इधर हो जाएगा, तब भी आपका 68 अंक का गुणांक बनेगा। तो 100 110 वाले बच्चों की संख्या तादाद काफी कम है। इस बेस पर हमें समझना चाहिए कि जो हमारा फाइनल कट ऑफ बने दोस्तों ऐसा बने कि जिससे कि हर एक बच्चे को फायदा हो, नुकसान किसी को ना। नुकसान होने का मतलब दोस्तों साफ है कि अगर एक भी सीट आपकी खाली रहती है, रिक्त रहती है, तो दोस्तों इसमें हर एक बच्चे को नुकसान है कि आपको यहाँ नौकरी मिल सकती थी, क्योंकि अगली शिक्षक भर्ती दोस्तों जो आएगी उसमें पता नहीं कौन से नियम और कानून लगाए जाएंगे कि यूपी टेट का नंबर लिया जाएगा, 3 साल संविदा पर काम करना पड़ेगा, ये सब नए नए नियम आएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उससे बचें। अब देखिए नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव क्या, आप इसको देख लेते हैं कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति अब जल्द ही कुछ बड़े बदलाव के साथ सामने आएगी। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है, इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। जो बड़े बदलाव सामने आए उनमें शिक्षा को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जगह अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन सबसे अहम है। इसके मुखिया मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे, जबकि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां बतौर सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। तो वही दोस्तों ये देखिए वाली अपडेट हमने वही निकाली थी कि आपके कितने बच्चे पास हुए एलटी ग्रेड में, तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा लीजिए कि एलटी ग्रेड में जब इतने बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी शिक्षक भर्ती में भी उतने बच्चे पास नहीं होंगे, जो आप लोग सोच रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 पर हर एक बच्चा पास है। एक बात तो सबको पता है कि कोई शिक्षा मित्र बहुत ही कम होंगे, 2 से 3 हजार शिक्षा मित्र पास होंगे, ठीक है, 90-97 नंबर पर। देखिए सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र बाहर होंगे, ये बात तो हर एक बच्चे को पता है, लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्रों के साथ बीटीसी और बीएड के काफी छात्र बाहर हो जाएंगे, ये बात शायद आपको नहीं पता। तो वही बच्चे लोग कंफ्यूजन में आए, देखिए आप लोग अपने नंबर की काउंटिंग किए होंगे, बहुत ही अच्छे से किए होंगे, पूरी उम्मीद है, लेकिन जो बच्चे 89 नंबर लाकर बैठे उनकी तो सांसें हमेशा रुकी रहती है यार कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है ना। तो वो 90-97 में आ रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत ही है जब तक एक नंबर उनका नहीं बढ़ेगा। देखिए एक नंबर उनका बढ़ते समझ लीजिए उनकी, एक नंबर नहीं बढ़ेगा उनकी नौकरी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब 90 नंबर होते दोस्तों देखिए अब होगा क्या ना, अगर इस बार 60 और 65 की जैसे यहाँ सरकार ने अपना जो पक्ष था दोस्तों इसको लागू कर देते तो ये एक अच्छी बात तो होगी कि जो बच्चे योग्य हैं उन्हें नौकरी मिलेगी,
लेकिन उन्हें ये भी नियम लागू करना चाहिए कि हम एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। 60-65 पर 200 पहले वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी, जितने पोस्ट खाली होंगे, जितने भी 200 पद उसमें खाली रहेंगे, उसको हम थोड़ी सी कटाव को डाउन करके उसमें नौकरी दे देंगे, तब तो दोस्तों सही रहेगा। नहीं तो दोस्तों, जो आपको याद होगा कि अभी 68,500 में 30 और 33 के लेके लेकर काफी जंग हुई, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ। आपको पता होगा ना, 30 और 33 की कटाव कम की जाए, सबको नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं हो पाया। 40-45 पर ही दोस्तों शिक्षक भर्ती को कम्प्लीट किया गया। इस बार भी दोस्तों अगर 60-65 पर अगर आपको नौकरी मिल जाएगी, तो जितने बच्चे मिली तो मिली, नहीं मिली तो समझ लीजिए अगली शिक्षक भर्ती में आप दोबारा से अप्लाई करने को तैयार हो जाइए। तो वही बात है दोस्तों कि 60-65 पर अगर ये भर्ती करना चाहते हैं तो करें। उसके बाद दोस्तों जो भी सीटें खाली रहते हैं, भले एक ही सीट क्यों ना खाली हो दोस्तों, उसको थोड़ी सी कटाव डाउन करके उनमें बच्चों को मौका दिया जाए। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। फिलहाल अभी देखिए महा सर्वे चल रहा है, तो आप लोग को अगर अपना वोट अभी तक आपने ना किया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करें और वहां से दोस्तों आप लोग अपना वोट करें कि आपके कितने अंक का गुणांक बनना है। 61 से लेकर 280 तक का आपको मौका है। अगर आपको 60 से कम बनना है तो 60 से कम में क्लिक कर सकते हैं, अगर 80 से ज्यादा हो रहा है तो 80 से ज्यादा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और एक और अच्छी बात, आज आपका धनतेरस का पर्व है, सभी बच्चों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।